हेलो विश्व मैन पबजी लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, चेक कास्ट। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज पबजी मोबाइल के अंदर यहाँ पे जो 3.3 का अपडेट आया है, उसी के साथ यहाँ पे एक न्यू अचीवमेंट आई है जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आप लोग BGMI खेलते हो तो भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हो, क्योंकि एज इट इज़ अचीवमेंट आप लोगों को BGMI के अंदर भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोग अपने प्रोफाइल फोटो के ऊपर क्लिक करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे ओनर वाला ऑप्शन के अंदर अचीवमेंट के अंदर यहाँ पे एक अचीवमेंट देखने को मिल जाएगी स्टार्टिंग में ही, जिसका नाम यहाँ पे वेव पायनियर है। तो इसको गाइज आप लोगों को यहाँ पे 5 मिशन कंप्लीट करने हैं, जिससे आप लोगों का 30 अचीवमेंट पॉइंट प्लस 2 क्लासिक क्रेट यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अंदर फर्स्ट मिशन में है कि आप लोगों को जो ओशन प्लाजा है उसके अंदर यहाँ पे एक बार लैंड करना है। सेकेंड में आप लोगों को यहाँ पे जो सी ट्रेजरी है उसके अंदर यहाँ पे एक बार एंटर करना है। उसके बाद थर्ड में आप लोगों को जो वाटर ऑफ ब्लास्टर है उसका यूज़ करना है। फोर्थ में आप लोगों को यहाँ पे एक वेल एस्केप पोड है उसका एक बार यूज़ करना है। और फिफ्थ में गाइज यहाँ पे आप लोगों को जो स्ट्रिंगे है उसको एक बार यहाँ पे राइड करना है या फिर यहाँ पे उसको चलाना है। ये 5 मिशन आप लोगों को कंप्लीट किस तरीके से करना है वो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट मिशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 5 मिशन के लिए आप लोग नॉर्मली मैप के अंदर जो इरेंगल सैनहॉक लिविक है जिसके अंदर यहाँ पे ओशन ओडिशा मोर आया है, तो इसमें से कोई सा भी लगा के खेल सकते हो। ज़्यादातर मैं आपको इरेंगल सजेस्ट करूँगी क्योंकि इरेंगल में अचीवमेंट ईजी रहेगी, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इरेंगल ही यहाँ पर खेलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को मैप के अंदर टोटल 2 जगहों पे ओशन पैलेस देखने को मिलेगा, जो कि एक यहाँ पे वाटर सिटी के पास है और सेकेंड यहाँ पे नोवो के पास है। तो दोनों में किसी भी लोकेशन पे आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लैंड कर सकते हो, जो कि मैं आप लोगों को एक लोकेशन पे लैंड करके दिखाऊँ। तो आप लोग देखो, ये लोकेशन जैसे ही नज़दीक आया तो इसके अंदर यहाँ पे मैं लैंड कर रही हूँ। तो मिशन में भी यही है, इसके अंदर आप लोग यहाँ पे एक बार लैंड कर लोगे पैराशूट से तो आप लोगों का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड मिशन के अंदर आप लोगों को यहाँ पे सी ट्रेजरी का यूज़ करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करो कि जैसे आप लोगों को मैंने ओशन पैलेस दिखाया, एज इट इज़ आप लोगों को मैप के अंदर दूसरे और भी यहाँ पर लोकेशन देखने को मिलेंगे, जिसका नाम यहाँ पर 4 सेकेंड रूइंस है, जो कि आप लोग देखो 6-7 लोकेशन है यहाँ पर। तो किसी भी एक लोकेशन पर आप लोग यहाँ पर जा सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप लोग इस लोकेशन पे आओगे तो एकदम सेंटर में आप लोगों को कुछ एक्टिवेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को इसको यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे एक्टिवेट करोगे तो सामने की साइड देखो, आप लोगों को वाटर वाली एक वॉल देखने को मिलेगी, तो वो यहाँ पर खुल जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर वॉल खुलती है उसके बाद आप लोगों को इसके अंदर चले जाना है, और सेंटर में यहाँ पर वाटर रहेगा तो इसके अंदर आप लोगों को नॉर्मली जाना है, और एकदम डाउन डाउन में आप लोगों को यहाँ पर चले जाना है। जैसे जैसे आप लोग आगे जाते जाओगे वैसे वैसे फिर यहाँ पे ज़मीन पे आप लोग आ जाओगे। और यहाँ पे गाइस टोटल 6-7 पिल्लर रखे हुए हैं, और उसी पिल्लर में आप लोग देखोगे तो ब्लू कलर की रोशनी जल रही है। तो बहुत सारे पिल्लर यहाँ पे है, उसमें कोई कोई में रोशनी जल रही है, बाकी यहाँ पे 3 पिल्लर ऐसे हैं जिसमें रोशनी नहीं जलेगी, तो उसको आप लोगों को यहाँ पर जलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे जैसे आप लोग पिल्लर के पास जाओगे तो आप लोगों को स्किन के ऊपर एक्टिवेट लिखा हुआ आएगा। तो टोटल 3 पिल्लर को आप लोगों को एक्टिवेट करना है, जिससे गाइज यहाँ पे लाइट जलेगी और आगे की साइड यहाँ पे सेंटर में एक मेन गेट और है, तो वो यहाँ पे खुल जाएगा। और यहाँ पे जो मेन गेट जैसे ही खुलता है तो उसके अंदर एक बड़ा सा क्रेट टाइप का रखा हुआ है, उसको आप लोग जैसे ही यहाँ पे एक बार खोल लोगे तो आप लोगों का सेकेंड वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड मिशन है कि आप लोगों को ब्लास्टर का यूज़ करना है। तो गाइज ये वाला जो ब्लास्टर है वो आप लोगों को किसी भी लोकेशन पर जल्दी से मिल सकता है, या तो 2 मेन लोकेशन है वहाँ पर भी आप लोग जा सकते हो, या फिर आप लोग कहीं भी हॉट ड्रॉप लोकेशन पर जाओगे तो भी ये ब्लास्टर आप लोगों को मिल जाएगा। ये आप लोगों का यहाँ पर पिस्टल के पास इक्विप होता है, इसका पूरा नाम आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, वाटर ऑफ ब्लास्टर है। तो इसको आप लोगों को नॉर्मली ले लेना है, और जिस तरीके से हम लोग पिस्टल फायर करते हैं इसको भी आप लोगों को फायर करना है, जिससे क्या होगा कि जहाँ पे आप लोगों ने एम बनाया होगा वहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा वाटर टाइप का, फिर उसके अंदर भी आप लोग जा सकते हो, या फिर अगर कोई ऐसा एनिमी या कोई आप लोगों को दिखे तो उसके ऊपर भी आप लोग ये वाटर ऑफ ब्लास्टर चला के थोड़े टाइम के लिए उस एनिमी को स्टॉप कर सकते हो। तो इस तरीके से सिर्फ एक बार आप लोग चला लोगे तो थर्ड मिशन आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्थ मिशन बताने से पहले मैं आपको फिफ्थ मिशन बता दूँ। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को किसी भी लोकेशन पे या फिर यहाँ पे ओशन प्लाजा और जो 4 सेकेंड रूइंस है वहाँ पर एक व्हीकल टाइप का देखने को मिलेगा, जिसका नाम गाइज आप लोग देख सकते हो स्ट्रिंगे कॉर है। तो इसको आप लोगों को नॉर्मली यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। तो जिस तरीके से जीन वाले मोड में हम लोगों की कारपेट थी, एज इट इज़ आप लोगों को भी इसके अंदर ऐसे स्ट्रिंग रे देखने को मिलेगी, तो इसको आप लोगों को
नॉर्मली ले लेना है, और उसके बाद आप लोगों को जहाँ से ग्रेनेड थ्रो करते हैं वहीं पे इसको सिलेक्ट करके थ्रो करना है, जिससे आप लोगों का व्हीकल इस तरीके से बाहर आ जाएगा। फिर आप लोग इसको नॉर्मली ड्राइव कर सकते हो, और अगर आप लोग यहाँ पे टीममेट के साथ खेलते हो तो गेट इन करके आप अपने टीममेट के साथ बैठोगे तो भी आपका मिशन काउंट होगा। तो इस तरीके से इसका एक बार आप लोग यूज़ कर लेना। उसके बाद हम लोग फोर्थ मिशन की बात करें, तो फोर्थ मिशन के लिए गाइज यहाँ पे एक डिवाइस है जिसको आप लोग किसी भी लोकेशन पे जाके जल्दी से ढूंढ सकते हो, और फिर भी अगर आप लोगों को जल्दी से नहीं मिले तो उसको आप लोग शॉप से भी परचेस कर सकते हो। तो शॉप के अंदर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट नंबर पर ही आप लोगों को यहाँ पर वेल एस्केप पॉड देखने को मिलेगा। तो इसको नॉर्मली गाइज यहाँ पर आप लोगों को परचेस कर लेना है। और इतना ही नहीं, इसके अंदर आप लोग देखोगे तो जो मैंने आप लोगों को फिफ्थ वाला मिशन बताया उसको भी आप लोग 30 कॉइन से बाय कर सकते हो, और जो मैंने आप लोगों को थर्ड वाला मिशन ब्लास्टर वाला बताया उसको भी आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हो। तो चले, सारे मिशन तो हो गए, हमारा यही वाला बाकी है, तो इसको मैं बाय कर लेती हूँ। अब जैसे गाइज यहाँ पे मैं आप लोग ग्रेनेड थ्रो करते हो एज इट इज़, वही से आप लोगों को सिलेक्ट करके इसको थ्रो करना है, और जैसे ही आप लोग थ्रो करोगे तो एक वाटर का यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि जैसे पिकअप बैग के अंदर हम लोग खोलने के बाद 20 सेकेंड का टाइमिंग आता है ना, एज इट इज़ इसके अंदर भी आप लोग जैसे ही इसको खोलोगे तो 15 सेकेंड का टाइमिंग आएगा। उसी 15 सेकेंड के अंदर आप लोगों को इस सर्कल के बीच में जाना पड़ेगा, और जैसे ही 15 सेकेंड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी उसके बाद गाइस यहाँ पे एक वेल आएगी, और वो आप लोगों को यहाँ पे एज अ व्हीकल के तौर पे हवा में लेके चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एक बार यहाँ पे सिर्फ वेल के ऊपर बैठ जाओगे, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आप लोगों ने वेल एस्केप पॉड का यूज़ कर लिया। यहाँ पे अगर आप लोग इसको थ्रो करने के बाद इसके अंदर नहीं जाते हो तो मिशन काउंट नहीं होगा, आप लोगों को उसके अंदर जाना ही पड़ेगा, और 15 सेकेंड के बाद एज इट इज़ यहाँ पर ऐसा वेल का जो एनिमेशन होता है वो यहाँ पर होगा, तो ही आप लोगों का मिशन कम्प्लीट होगा। तो इसी तरीके से गाइज आप लोगों को पाँचों मिशन को कम्प्लीट करना है। चलिए मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखाती हूँ कि हमारी अचीवमेंट कम्प्लीट हुई है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अचीवमेंट मेरी कंप्लीट हो चुकी है, उसी के साथ मुझे यहाँ पे 30 अचीवमेंट पॉइंट प्लस यहाँ पे 2 क्लासिक क्रेट मिल चुके हैं। तो आई होप आप लोग वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए गाइस, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो का लाइक शेयर ज़रूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।